नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भार्गव। मैं एक कर्क रोग विशेषज्ञ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नेति मेडिसिटी में एज डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और आज नो टोबैको डे के अवसर पर आप लोगों से मैं तंबाकू सेवन के हानिकारक विषय में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ और अपने विचार आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। तंबाकू का सेवन आप जो करते हैं, या तो वो खैनी के रूप में, या जिसको हम बोलते हैं चबाने वाला टबैको, या जो आप स्मोक में लेते हैं जैसे बीड़ी सिगरेट में लेते हैं, तो इन दोनों विषय तरह से अगर आप तंबाकू लेते हैं, दोनों के अपने अपने हानि हैं। जैसे आपने हेड एंड नेक कैंसर जो होता है, जैसे जुबान का कैंसर या हमारे गले का कैंसर, ये सारा कैंसर तंबाकू के चबाने वाले पदार्थ से बहुत होता है। जैसे अगर हमने जैसे देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, वो तंबाकू की एक जगह मुंह में बना लेते हैं, और इस मुंह में जगह बनाने के बाद क्या होता है कि हमेशा वहीं तंबाकू रखते हैं। तो ये तंबाकू वहाँ क्या करता है कि एक तो उसको बार बार डैमेज करके हमारी जो अंदर की खाल होती है उसको ख़राब करता है, और बार बार डैमेज होने की वजह से इसमें कैंसर उत्पन्न करता है। और यही कैंसर आगे जाके अगर इसको हम समय से इलाज ना करें तो बहुत जानलेवा बीमारी बन जाता है। तो इसलिए तंबाकू तो एब्सोल्युटली नो नो, इसको बिल्कुल मना करें। और जो भी आपको दिखे कि यह तंबाकू ले रहा है, इस तरह का तंबाकू उनको दिखाएं। ये तो रहा चबाने वाले तंबाकू का कैंसर। दूसरा, जो हम बीड़ी सिगरेट और हुक्के का सेवन करते हैं, उसका जो तंबाकू होता है वो तंबाकू भी कम हानिकारक नहीं होता है। उस से हमारे को लंग का कैंसर हो सकता है। यही तंबाकू हमारे फेफड़े में जाके जमा हो जाता है और वहाँ जाके ये लंग का कैंसर उत्पन्न करता है। आज की तारीख में कोई भी ऐसा कैंसर नहीं है जो टबाको या तंबाकू की वजह से ना होता हो। चाहे आपका दिमाग का कैंसर है, हेड एंड नेक या गले का कैंसर है, या मुंह का कैंसर है, लंग का कैंसर है, आपके लिवर का कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है, या बड़ी आंतों का कैंसर है, या ब्रेस्ट कैंसर है वेमेन में, ये सारे कैंसर की जड़ तंबाकू है। तंबाकू ना कि हमें सिर्फ कैंसर देता है, परंतु हमें दिल की बीमारी, हृदय की बीमारी, दिमाग की बीमारी, लंग की बीमारी, ये सारी बीमारी इस तंबाकू की वजह से होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप इस तंबाकू के साथ क्या क्या चीज़ें अंदर लेते हैं अपने, तो आप बिल्कुल चकाचौंध रह जाएंगे। जो सिगरेट बनाते हैं, ये जो बीड़ी बनाते हैं, इसमें जो हमारे टॉयलेट क्लीनर होते हैं उसके केमिकल का इस्तेमाल होता है। जिस केमिकल से हम अपने फर्श साफ करते हैं, जिसको हम फिनाइल बोलते हैं, इसका इसमें उपयोग होता है। तो अब आप खुद सोचिए कि एक पदार्थ या एक केमिकल जिससे हम अपने टॉयलेट क्लीन करते हैं और जिससे हम अपना घर साफ रखते हैं, उसी को अगर हम अंदर लें तो हमारी शरीर में क्या क्या हानिकारक चीज़ें होंगी। तो मेरा अंत में आज के नो टोबैको डे में आप लोगों सबसे निवेदन है कि प्लीज़ 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 इसको छोड़ने का प्लान बनाइए। और अगर आपको लगता है कि आपको तंबाकू छोड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, तो आप हमारे अस्पताल में आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इस बीमारी से दूर लेके जाएंगे और आपका तंबाकू छुड़वाएंगे। धन्यवाद।